इसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे ये काम करता है और एक्सीलरेटर वहां कैसे लगता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये अपना पुराना वाला सिस्टम है, जो पंप अभी भी है, मतलब ये वायर खिंचाता था और एक्सीलेटर अपना लगता था, इंजन रेस लेता था, पंप का प्लंजर काम करता था इसमें, और ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक जो एक्सीलेटर पेडल है, सब आज वायरिंग से हो रहा है सब काम, तो आपके दिमाग में शायद आता ही होगा कि यार ये कैसे करता है काम। हाँ, मेरी टीम में आप, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर सब एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, उनको थोड़ी सा नॉलेज मिले। ठीक है। तो इसके अंदर होती है 6 पिन का कपलर होता है, पिन होती है, और ये इसको जैसे ही अपन दबाते हैं तो गाड़ी का जो इश्यू होता है ना, जो मेन कंट्रोल जिसको दिमाग माना जाता है गाड़ी का, उसको ये सिग्नल देता है कि भाई गाड़ी का एक्सीलेटर इतना दबा है। अब इश्यू क्या करता है कि इंजेक्टर को कमांड देता है, यानी कि नोजल को, उसके ऊपर एक एक्चुएटर लगा होता है, सेंसर। तो यहाँ समझते हैं, देखो जैसे ही आपने एक्सीलेटर दबाया अब क्या होता है, अब जैसे ही आपने एक्सीलेटर दबाया सीधा एक्सीलेटर सेंसर के द्वारा सिग्नल गया सीधा अपने इश्यू के पास, इश्यू ने फिर कमांड दिया इंजेक्टर को, इंजेक्टर के ऊपर जैसे वो लगा रहता है एक एक्चुएटर, ये देखिए, इसके पास गया और इसने डीजल की मात्रा बढ़ा दी। आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। और ये एक्सीलेटर पेडल जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है ना, ये बहुत ही पुराने वाले सिस्टम से बहुत बढ़िया है। इसके अंदर डबल सेंसर होते हैं, क्योंकि 6 पिन है दोस्तों, 6 पिन का मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो इसके अंदर एक ग्राउंड है, एक सिग्नल है और एक सप्लाई है। इसी तरह से दोनों का ही अलग अलग है, तो मान लो 2 ग्राउंड हो गए, 2 सप्लाई हो गई और 2 सिग्नल हो गए, तो एक खराब भी हो जाए तो एक से चल जाता है। बहुत बढ़िया सिस्टम है ये। तो इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, छोटी सी जानकारी थी, मैंने सोचा कि आपको भी बताऊं। और एक सबसे बड़ी बात कि कई लोग सोचते हैं कि कॉमन रेल का सेंसर एक्सीलेटर बढ़ाता है, तो ऐसा नहीं है, इंजेक्टर बढ़ाता है। इंजेक्टर बढ़ाएगा तो कॉमन रेल का जो पंप सब इंजन के साथ ही चलेंगे, तो उनका प्रेशर अलग ही बढ़ेगा। वो ठीक है।